जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और भाई मतलब कि आज ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को क्लीन नहीं करते। टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या है। अब देखो, अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती है, मतलब 45 डिग्री या उससे भी ज़्यादा डिग्री कुछ एरियाज या कुछ स्टेट में मतलब टेम्परेचर जाता है। और भाई जो हम राइडर लोग होते हैं, हेलमेट पहन के मतलब राइड करते हैं, बूट्स पहन के, जैकेट पहन के। अब आप लोग मतलब राइड के दौरान, एक दो राइड के बाद आप लोग अपनी जैकेट को क्लीन कर लेते होंगे। हालांकि मैं एक राइड पे क्लीन कर लेता हूँ, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक दो राइड के बाद क्लीन कर लेते होंगे हम लोग। और बूट्स को भी हम ऐसे ही एक दो राइड के बाद क्लीन कर लेते हैं। तो भाई हेलमेट को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पसीना हमारे सिर में आता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मतलब कि स्मेल हो जाती है, और भाई जम्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, और दुनिया भर का जो रेत होता है छोटा छोटा बारीक वो सारे इस पर जम जाता है। आप सोचो कि आप बाइक लेके चल रहे हो तो बाइक पे इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो आपके हेलमेट पे कितनी ज़्यादा आती होगी। तो उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको देखो ऐसे स्क्रैच कर रहा हूँ ना, तो देखो ये साफ़ हो रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब कि डस्ट जमी हुई है। तो भाई सबसे पहले इसकी है ना पैडिंग को हम निकाल देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बहुत सारे राइडर्स जो होते हैं उनको होता है कई बार, जब जैसे मैंने अपना ये जब हेलमेट परचेज़ करा था तो उसकी मैंने वीडियोज डाली थी, वो पूछ रहे थे भाई इसको कैसे क्लीन करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है क्या। देखो सबसे पहले तो आप इसकी पैडिंग को ऐसे करके निकाल लो, आपकी जैसे एक बाहर आ गई ऐसे ही, ठीक है? ये सेकेंड हो गया रिमूव। अब जो नीचे का जो बेस होता है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए जी ये हो गया है रिमूव, और अभी तो ठीक है वैसे ये मेरा, लेकिन फिर भी एक बार मतलब हर राइड से पहले हमें अपने शूज़ और ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेनी चाहिए। तो वही ये सब इकट्ठा हो गई है, और ये जो मेरा ग्लव्स है, हालांकि मेरा लेदर ग्लव्स है बट कुछ पार्ट ऐसा है जो कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से कपड़े का, ये सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा मैला हो गया है, मतलब डस्ट डस्ट जम गया है, क्योंकि बारिश में भी हर चीज़ में भीगते रहते हैं तो हो जाता है कभी कभी। वैसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और लाइफ टाइम तक मतलब इसकी स्टिचिंग जो है वो निकल गई तो आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम। अब क्या है कि इस बाल्टी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया क्लीन, और यहाँ पे ले गया हूँ मैं इजी। तो थोड़ा सा हम है ना इजी डालेंगे इसके अंदर, तो इतना इनफ है। सरफ लिया था तो सरफ एक्सेल लिया है, जो आपके पास जो भी हो आप वो भी ले सकते हो, अगर लिया ऐसा नहीं है कि हल्का सा सरफ, इसलिए क्योंकि जिस जो इसके अंदर मेल है वो पूरा अच्छे से मतलब कि क्लीन हो जाए। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना मतलब कि रगड़ देंगे इसमें डाल के, थोड़ा सा घुमा देंगे, और जहाँ जहाँ पे लग रहा है आपको मैल है तो वो थोड़ा सा रगड़ दो उस पार्ट को। थोड़ी देर में इसमें रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको पानी दिखाता हूँ कि पानी का कलर कैसा हुआ। बिल्कुल मतलब कि जो गंदा जिसको कहते हैं ना वो वाला कलर हो गया। और पानी का कलर दिख रहा है आपको, ये तो हाथ में है लेकिन इसमें और देखोगे ना, देखो दिखा, तो ये देखो पानी का कलर कितना ज़्यादा काला हो गया। तो मुझे लग रहा है एक बार इनको ना दोबारा से साफ़ पानी में से निकालना पड़ेगा। और भाई मतलब कि ऐसे होते हैं क्लीन हेलमेट और आपके ग्लव्स जो हैं आप उसको ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो देखो भाई कितना ज़्यादा गंदा पानी निकला है। तो भाई देखा मतलब कि इसको मैंने 5 से 6 बार पानी से बार बार निकाल रहा था मैं, और कितना ज़्यादा गंद निकल रहा था। जितने भी भाई घर में हेलमेट है वो सारे धो डालो, क्योंकि ये भी चीज़ मैं करने वाला हूँ। अब की बार कुछ ज़्यादा ही निकला है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना इतना ज़्यादा बालों में आ जाता है, और हम बला गलावा पहनते हैं उसके बाद भी इतनी ज़्यादा मतलब कि अंदर पसीना पसीना, वो सारा सारा पसीना है हमारा हेलमेट की जो फोम होती है वो सोख लेती है, और फिर ऐसे उसमें सारा मिट्टी धूल मिट्टी सब कुछ जम जाता है। तो भाई क्लीन करो। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल मत जाना। क्या लगता है यार, एक छोटा सा बटन ही तो जो आपको दबाना है, तो दबा डालो यार, वीडियो को शेयर करो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं भाई।
फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, अभी एक दो वीडियो और अच्छी अच्छी मैं आप लोगों को दूँ अपनी बाइक से रिलेटेड। जो मैंने नई बाइक ली है Z900, तो उसके बारे में वीडियोज़ आप लोगों को बनाएंगे कि क्यों हमने वो बाइक ली है और क्या पर्पज़ है उसका। तो हम अभी उसमें कुछ काम चल रहे हैं छोटे मोटे, तो दिखाते क्या क्या मॉडिफिकेशन कराइए। बाय।